एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, तो उसके लिए मैंने सूजी का केक बनाया है, वो भी स्टीम वाला केक। तो ये बहुत ही कम टाइम में और कम सामान में बनके रेडी हो जाता है। बिना बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के ही बनाया है। तो देख लेते हैं इसकी रेसिपी कि किस तरह से मैंने ये बनाया है। तो सूजी का केक बनाने के लिए मैंने ले ली है इस कटोरी के माप से 1.5 कटोरी सूजी। सूजी मैंने बारीक वाली ली है, आप किसी भी प्रकार की सूजी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो इसे हम अब मिक्सर जार में डाल देंगे। अब जार में हम इसे डाल देंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह का ये बिल्कुल पाउडर बन गया है, इसमें हल्का हल्का दाना रहा है। तो जिस कटोरी के माप से मैंने सूजी ली थी, अब मैं उसी कटोरी के माप से एक कटोरी भर के चीनी लूँगी और इसे भी मैं पीस लूँगी। तो चीनी का इस तरह का फाइन पाउडर बन चुका है। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, अब ले ली है मैंने जिस कटोरी के माप से मैंने सूजी और चीनी ली थी, उसी कटोरी के माप से ले रही हूँ मैं एक कटोरी भर के दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है दही लेना है आपको, फ्रिज वाला दही बिल्कुल नहीं लेना है। तो मैंने जिस कटोरी के माप से मैंने दही ली है, उसी कटोरी के माप से मैंने आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आपके पास जो भी तेल हो, लेकिन उसमें फ्रेगनेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसा ही तेल लेना है। अब इसी के बीच में डाल रही हूँ मैं जो शुगर पाउडर जो है बना के रखा था हमने, तो इसी में हमने सारा डाल दिया है। तो मैंने एक विस्कर ले लिया है, इससे हम इसे अच्छे से, ये देखिए तेल दही और चीनी का एक बिल्कुल देखिए इस तरह से ये क्रीमी हो गए हैं, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया। इसी तरह का क्रीमी हमें इसका टेक्सचर चाहिए। अब हमने जो सूजी ग्राइंड करके रखी थी, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे हम एक ही साइड को इस तरह से विस्कर को घुमाएंगे और अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए हमारी सूजी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम 25 से 30 मिनट तक इसे ढक्कन लगा के इसी तरह से छोड़ देंगे। मैंने एक बर्तन ले लिया है, जो स्टीमर होता है वही लिया है, उसमें निचले वाले हिस्से में जिसमें पानी डालते हैं, मैंने उसमें पानी डाल दिया है और पानी को हम अब ढक्कन लगा के बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। मैंने एक केक टिन ले लिया है, अब इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। अब इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसको भी इसमें रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ। इस तरह से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए हमारी सूजी जो है इस तरह की हो गई है, इसे रखे हुए 25 मिनट हो चुके हैं, देखिए किस तरह से ये फूल चुकी है। अब इसे हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैंने लिया है एक स्पून भर के, मैं इसमें वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ले लिया है एक कप में मैंने थोड़ा हल्का गर्म दूध, अब थोड़ा दूध मैं इसमें मिक्स करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गर्म दूध ही डालना है, बिल्कुल ठंडा दूध इसमें ऐड नहीं करना है हमें। मैंने इसमें आधे से ज़्यादा कप दूध का ऐड कर दिया है, इसे हम 6 से 7 मिनट तक अच्छे से इस तरह से फेंट लेंगे ताकि। तो मैंने 6 से 7 मिनट तक इसे फेंट लिया है। अब ली है मैंने टूटी फ्रूटी, आप किसी भी कलर की टूटी फ्रूटी ले सकते हैं। अगर आपको टूटी फ्रूटी पसंद ना हो तो इसकी जगह पे आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। मैं इस तरह से आधी इसमें पहले ऐड करूँगी। मैंने इसमें कोई भी मैदा
या कॉर्न स्टार्च जो है ऐड नहीं किया है, डस्ट नहीं किया है। मैंने इसी तरह से इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी। ये देखिए हमारा बैटर जो है इस तरह का हो गया है, इस तरह का हमें इस तरह का ही इसका बैटर चाहिए। हम इसमें कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड नहीं करेंगे। मैंने लिया है इनो लेमन फ्लेवर वाला, मैं सारा एक पाउच जो है इसमें डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा इनो पाउडर जो है इसमें मिक्स हो चुका है, हमें इसे बहुत ज़्यादा देर इस तरह से नहीं रखना है। अब मैंने जो बर्तन ग्रीस किया था इसमें मैं सारे बैटर को डाल दूंगी। अब सारे बैटर को हमने इस बर्तन में डाल दिया और इस तरह से अच्छे से इसमें टैप कर देंगे और जो बची हुई टूटी फ्रूटी थी इसे भी हम इसके बीच ऊपर से इस तरह से डाल देंगे ताकि हमारा केक जो है देखने में भी बहुत सुंदर लगे और खाने में भी। इस तरह से मैंने इसे डस्ट बिल्कुल नहीं किया है। तो देखिए पानी जो है हमारा बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अब मैं रख रही हूँ इस तरह से इसे स्टीमर को इसके ऊपर और गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे और इसके बीच जो है हम इस केक के टिन को रख देंगे इस तरह से और इसे हम 25 मिनट तक इसी तरह से फुल फ्लेम पे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे ताकि हमारा केक अच्छे से पक जाए। हम 25 मिनट के बाद इसे इस तरह से अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और इसे हम 25 मिनट तक इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए मैंने एक चाकू ले लिया है, आपके पास अगर टूथपिक है आप वो भी ले सकते हैं और इसके बीच में इस तरह से हम डाल देंगे। तो हमारा केक जो है पक चुका है, देखिए चाकू जो है बिल्कुल साफ निकल रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो केक को हमने बाहर निकाल लिया है और इसे हम 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो देखिए केक जो है हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे चाकू से इस तरह से साइड से जो किनारे हैं इस तरह से इसके निकाल लेंगे ताकि हमारा केक जो है बड़ी आसानी से बाहर आ जाए। अब प्लेट को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसे इस तरह से कर देंगे और इसे हल्का हल्का इस तरह से टैप करेंगे ताकि केक जो है अच्छे से निकल जाए। तो देखिए केक जो है कितना अच्छा देखने में लग रहा है, टूटी फ्रूटी बहुत ही सुंदर लग रही है इसमें। तो आप भी क्रिसमस और न्यू ईयर पर इस तरह से सूजी का केक बनाइए, खाइए और खिलाइएगा। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये स्टीम में पका हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।